दोस्तों कौन जानता था सात भाई बहनों में सबसे छोटी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को देखकर कपड़े धोने की मोगरी से लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने वाली पूजा वस्त्राकर एक दिन इंडिया के लिए नेशनल टीम में खेलेगी और 2022 वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में 67 रनों की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर प्लेयर ऑफ द मैच बन जाएगी और दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों के दिल की धड़कन बन जाएगी। दोस्तों सफर बहुत मुश्किल था, कोई कहता तुम्हें डिसिप्लिन की कमी है तो कोई कहता ये कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं तुमसे ना हो पाएगा, मगर पूजा कहती थी जितनी ज्यादा तपूंगी उतनी ही ज्यादा बेहतर करूंगी, एक दिन मौका मुझे जरूर मिलेगा उसी दिन कुछ ऐसा कर जाऊंगी तुम देखते रहना सबके दिलों की धड़कन बन जाऊंगी। दोस्तों इस क्रिकेटर के बारे में जानकर मुझे ऐसा लगा पूजा वस्त्राकर की स्टोरी आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए ताकि आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिले जो बेहद शॉकिंग है। 10 साल की उम्र में अपनी माँ को खो चुकी पूजा वस्त्राकर का जन्म 1999 में मध्य प्रदेश के शहर शहडोल में हुआ था। छत्तीसगढ़ से ताल्लुकात रखने वाले उनके पिता शहडोल टेलीफोन एक्सचेंज में कलरक का काम किया करते थे, जो अपनी बेटी को गली मोहल्ले में खेलते देखकर कहा करते थे खेलोगी कूदोगी बनोगी नवाब के चलते पूजा छोटे शहर में सुविधाओं के अभाव में लड़कों के साथ कपड़े धोने की मोगरी से क्रिकेट खेलती थी। उसी दौरान कोच आशुतोष की नजर उन पर पड़ी जो किसी दिन ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थी। आशुतोष ने पूजा से बात की और उनके खेल को निखारने का भरोसा दिलाया जो उनकी लाइफ का बिग ब्रेक साबित हुआ, जिसके बाद उनके खेल का असली सफर शुरू हुआ और पूजा ने बैट और बॉल से बतौर ऑलराउंडर परफॉर्म करना शुरू किया। बहुत जल्द कोच आशुतोष श्रीवास्तव के कहने पर स्कूल के हेडमास्टर अजय सिंह ने उनकी स्कूल फीस माफ कर दी जो उनकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। पूजा ने अंडर 14 से उड़ीसा के विरुद्ध अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत की, जिनका बहुत जल्द 15 साल की उम्र में उनका चयन इंडिया ग्रीन वोमेन स्क्वाड में हो गया, मगर घुटने की इंजरी की वजह से वह 2016 में चोटिल हो गई और उनका करियर मुसीबत में आ गया, जिन्हें 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर बैठना पड़ा। मगर पूजा ने हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस किया जो मैदान में सबसे पहले थी और लेट तक जाती थी, जिसके बाद इस क्रिकेटर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉल और बैट से जबरदस्त परफॉर्म किया और 2018 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका टूर पर ओडीआई नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। मगर 2018 में 2020 वर्ल्ड कप में एक बार फिर घुटने में चोट की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा, मगर पूजा ने ऑपरेशन के बाद फिर कम बैक किया और डोमेस्टिक क्रिकेट में आग उगलती बॉलिंग से विकेट और बैट से रनों की बारिश कर दी, जिसके बाद उन्हें 2020 में 2020 वर्ल्ड कप में इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्ट किया गया और 2021 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू करने का अवसर मिला। मगर पूजा का असली दौर आया जब 2021 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ओडीआई में बतौर फास्ट बॉलर इंडियन टीम में उन्हें शामिल किया, जहां पूजा ने अपने दूसरी ओडीआई में 51 रनों की धमाकेदार मैच विनिंग इनिंग्स खेली और 2020 मैच में नाबाद 37 रन बनाकर टीम को लगातार जीत दिलाई और ऐलान कर दिया पूजा का दौर अब शुरू हो चुका है, जिसके बाद उनके छोटे छोटे इम्पोर्टेंट कैमियो की बदौलत उन्हें 2022 वर्ल्ड कप की नेशनल टीम में शामिल किया गया, जहां पूजा ने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने पहले मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध 67 रन की इनिंग्स खेलकर इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाकर जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित की गई। पूजा वस्त्राकर ने अब तक 14 वनडे इंटरनेशनल में 257 रन के अलावा 6 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं 24 2020 मैचों में 157 रन और 19 विकेट एवं 2 टेस्ट मैचों में 37 रन बनाए और 5 विकेट हासिल किए हैं। तो ये थी पूजा वस्त्राकर, जिसने साबित किया जो आप चाहते हो बेशक देर से मिले मगर परिस्थितियों के अभाव में अगर वह कोशिश ही ना करती वह सब कभी हासिल नहीं कर पाती जिसकी वह हकदार थी। दोस्तों अगर आप पूजा के फैन हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और अब हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस क्रिकेटर पर देखना चाहते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।